T24 न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय टीम ने पहला T20 मैच में शानदार अंदाज में जीत हासिल की है और लगभग सभी खिलाड़ियों ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रोहित शर्मा और धवन की दमदार पारी, शतकीय साझेदारी और विराट कोहली की आतिशी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 203 रनों का लक्ष्य दिया था और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 149 रन ही बना सकी। इस मैच के हीरो रहे शिखर धवन, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। आज हम आपको दूसरे T20 के लिए संभावित एकादश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें नेहरा की जगह सिराज खान को शामिल किया जा सकता है। भारत की संभावित एकादश टीम ये है: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज। न्यूजीलैंड यह मैच जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। दोनों ही टीम यह मैच हर हाल में जीतना चाहेगी और विराट इसके लिए दूसरे T20 मैच में बेस्ट एकादश को उतरना चाहेंगे। रोहित शर्मा और धवन ओपनर बल्लेबाज के रूप में रहेंगे, उसके बाद विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। जाधव की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में जगह मिल सकती है, इसलिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद धोनी और दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऑलराउंडर की भूमिका हार्दिक पांड्या निभाएंगे। स्पिनर के रूप में युजवेंद्र चहल रहेंगे। T20 में खेलने वाले आशीष नेहरा की जगह मोहम्मद सिराज को टीम में मौका मिल सकता है। इस तरह विराट दूसरे T20 में तीन फास्टर के साथ उतर सकते हैं। ऐसे में मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और बुमराह तेज गेंदबाज की जिम्मेदारी निभाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हरा दिया है। अब दूसरा T20 मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में मिली जीत से भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा रहेगा, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड पर हार के बाद दबाव रहेगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।